इतनी सुंदर सी आउटफिट अनुराग भैया लौट चुके मेरे दोस्तों आप सभी के लिए एक एडवांस फैशन वीडियो के साथ। वो सेलिब्रिटी सीक्रेट क्या है जो कि आपको एज द स्टाइलिस्ट हैंडसम और स्मार्ट दिखा सकते हैं। ब्रैड पिट, रणबीर कपूर, सलमान खान, विराट कोहली, ऐसी क्या चीजें करते हैं जिसकी वजह से वो इतनी खूबसूरत और हैंडसम पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अब आप ये कहेंगे कि उनके पास पैसे हैं इसलिए वो अच्छे लगते हैं, लेकिन पैसे तो इनके पास भी हैं, लेकिन इनमें और इनमें इक्वालिटी कभी नहीं हो सकती। नॉवेल्टी, कोर ऑफ फैशन, डेटा ड्रिवन माइंडसेट जैसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको 200% बदल के रख देगी, बहुत ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट और क्लासी दिखाएगी। साथ ही साथ वीडियो की लास्ट की जो टिप होने वाली, अगर आपने उसको मिस कर दी तो समझ लीजिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है वो है नॉवेलिटी। हाँ, ये क्या है? नॉवेलिटी मतलब होता है न्यूनेस, नयापन। अगर आपको एक अच्छा और खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक बनना है तो आपको कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा भाई। हमेशा ये ध्यान दें कि पिछले 2-3 महीने में आपने क्या नॉवेलिटी प्रैक्टिस की है, कुछ नया ट्राई किया है अपने ड्रेसिंग स्टाइल में, अपने फैशन स्टाइल में कुछ नई चीजें ऐड की हैं। लड़कियां हमेशा कर लेती हैं, मगर लड़के हमेशा सेफ ड्रेसिंग करते हैं, जैसे शर्ट या फिर पैंट, जींस या फिर टी शर्ट। अगर आप शर्ट्स पहन रहे हैं तो अंदर टी शर्ट डाल उसको लेयर करें, या फिर शर्ट्स के ऊपर डेनिम जैकेट डाल सकते हैं, या फिर लेदर जैकेट डाल सकते हैं, या फिर स्लैक्स डाल सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आते तो उठा के फेंक दो शर्ट्स, हमेशा हेनलीज, हुडीज या फिर फुल टी शर्ट पहनो जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखाती है। अगर टी शर्ट पहनते हो तो उसके ऊपर स्लैक्स डाल सकते हो, पुल ओवर डाल सकते हो जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक ही जगह पे मत स्टक रहो, नया चीज करो, कुछ नया ट्राई करो। अब तीसरे नंबर पे जो चीज आती है वो है हमारी आउट फैशन थिंग्स। निकाल के फेंक दो उन चीजों को जो कि आपको पीछे लेके जा रहे हैं या फिर खुद पुरानी हो चुकी है, यानी कि जो चीजें, जो फैशन पुराना हो चुका है उसको निकाल के फेंकते चलो, नई चीजें ट्राई करते चलो। जैसे स्किनी जींस, जो टाइट जींस आती थी अब उसका फैशन गया भाई, रेगुलर फिट या फिर कार्गोज लगते हैं बहुत ज्यादा सेक्सी। दूसरे नंबर पे वो जो प्रिंटेड कलर वाली टाइट टी शर्ट आती उसको निकाल के फेंक दो, हमेशा प्लेन ब्लू, ब्लैक या फिर व्हाइट कलर की टी शर्ट लगती है बहुत ज्यादा सेक्सी। तीसरे नंबर पे जो लोफर्स आते थे बहुत ज्यादा कॉमन चीजें थी, बट अब वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। अगर आप फॉर्मल पहनते हैं तो लेस्ड अप शूज, अगर कैजुअल पहनते हैं तो व्हाइट स्नीकर या फिर ब्लैक स्नीकर लगते हैं बहुत ज्यादा सेक्सी। और क्या जो स्पोर्ट वॉच आती थी वो उसका भी फैशन अब जा चुका है, इसलिए मेरे भाई अगर कैजुअल के साथ पहन रहे हैं तो मेटल वॉच पहनेंगे, अगर फॉर्मल के साथ पहन रहे हैं तो फॉर्मल वॉच पहनेंगे जो कि लगती है बहुत ज्यादा क्लासी। इसी तरह लर्न करते जाएं, बट जो पुरानी चीजें हो गई उनको अनलर्न करते जाएं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपका बेटर वर्जन बनने। उसके बाद क्या सेफ खेलो मेरे भाई, स्कूल और कॉलेज में है अनुराग भैया, पैसे नहीं है, हैंडसम नहीं दिखेंगे। अरे कैसे नहीं दिखोगे यार, बॉडी टाइप को जानो, बॉडी टाइप और स्किन टाइप के हिसाब से हमेशा ड्रेस करना सीखो। अगर आपकी हाइट 5'8" से कम है तो ट्राई टू मेंटेन अ लीनर एंड एस्थेटिक फिजिक जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हर एक कपड़े आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, सूट करेंगे। अगर आपकी हाइट कम है उस पर आप वजन भी बढ़ा लेते तो आपके ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। अब चबी लोग गुस्सा हो जाएंगे और बोलेंगे कि हम अच्छे नहीं लगते, अरे आप भी अच्छे लगते हो। अभी नहीं, हमको चबी बोल दिया, हमें खराब बोल दिया, हम तो अनसब्सक्राइब करेंगे। बोला कैसे? नहीं भाई ऐसा मत करो, बट ये चीज फैक्ट है, अगर आप पतले हैं तो आपके ऊपर हर एक कपड़े अच्छे लगेंगे। अगर आपकी हाइट 5'8" से ज्यादा है तो आप मास कैरी कर सकते हो, बल्क कर सकते हो, जिसकी वजह से आप कैरी करने लायक दिखोगे उस हाइट पे जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा और एस्थेटिक दिखाता है। के बाद मेरे भाई चौथे नंबर पे क्या, चौथे नंबर पे जाता है हमारा डेटा ड्रिवन माइंडसेट जो कि सेलिब्रिटीज अक्सर यूज करते हैं, यानी कि गौर करें अपने कॉम्प्लीमेंट्स पे, कपड़ों पे, किस हेयर स्टाइल पे, किन कलर पे आपको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं और उस चीज को अपने वार्डरोब में बढ़ा दें। जैसे कि मुझे नेवी ब्लू पे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो मैं नेवी ब्लू शर्ट्स, नेवी ब्लू टी शर्ट, नेवी ब्लू कोट्स या फिर जैकेट्स या फिर मफलर्स पहनूंगा जो कि मुझे मेरा नेक्स्ट लेवल बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सामने वाले को नोटिस करें कि आप किस चीज पे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो इंसान आपका मिरर हो सकता है, वो आपको बताएगा क्या फैशन की चीजें आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी और स्टाइलिश लगती हैं। नो मैटर सामने वाला कैसा भी है, उसकी पसंद अच्छी है या फिर खराब है, या फिर वो दूसरे की गर्लफ्रेंड है बट आपकी तारीफ कर रही, तो समझ जाइए आप बहुत ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको आपका नेक्स्ट लेवल और बेटर वर्जन बनने में। अब जो लास्ट चीज है वो हमारी सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपने उसको मिस कर दिया तो आपने सब कुछ मिस कर दिया अभी तक जो भी मैंने आपको बताया। वो क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्टिवनेस, यानी कि आप कितने भी सुंदर हैं, कितने भी हैंडसम हैं, अपने शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हैं, बट आप ऐसे बंदे हैं जो कि सामने वालों को खुद से जाके अप्रोच करते हैं, खुद से बात करने का ट्राई करते हैं, इवन वो इंसान आपके बात का रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझता, तो आप नल हो, जीरो हो उस पॉइंट पे। इसलिए हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने एटीट्यूड को बढ़ा के रखें, आप हमेशा स्ट्रेट वॉक करें, हमेशा कॉन्फिडेंस फील करें, सामने वाले की आंखों में मत देखें, खुद से बात करने मत जाएं, ऐसे हिलडुल के ना चलें, एकदम सीधा चलें, एक अल्फा मेल की तरह चलें, जिसको बात करनी भी होगी आपको खुद से आके अप्रोच करेगा, तब आप उसके साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, या फिर कोई आपको देख के कुछ बोलता भी है तो थोड़ी सी स्माइल उसके बाद पास हो जाइए। ये चीज क्या करती है, क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है कि इसके अंदर ऐसा है क्या जिसकी वजह से इतना ज्यादा घमंड में रहता है और लोग आपके पास आना चाहेंगे
आपसे बात करना चाहेंगे, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे आप किसी से भी मेरे बारे में पूछेंगे तो उसका पहला रिप्लाई ये होगा कि बहुत ज्यादा घमंड है, बट वो हैंडसम उतना भी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखा है उसके सामने, मैं बार बार उसके पास अप्रोच करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू कम नहीं की है। तो अट्रैक्टिव दिखना और अट्रैक्टिव बनना एक गेम नहीं होता, गेम होता है उसको मेंटेन करना, कैरी करना। ठीक उसी तरीके से जैसे कि सोना खरीदना बड़ी बात नहीं होती, उसको लेके मार्केट में घूमना बड़ी बात होती है, ठीक उसी तरीके से। तो यही थी हमारी कुछ आज की चीजें, कुछ एडवांस फैशन टिप्स जो कि शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जल्दी लौटते नई वीडियो के साथ। बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।